कौन सा तरीका भाई, तुम क्लास नहीं आओगे तुम तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करते रहेंगे। नमन परेशान होता है बेचारा, दो दो तीन तीन जीबी की फाइल अपलोड कर देगा। दस जीबी तो कंप्रेस होने के बाद होता है। इधर भी सब पे भरोसा है। सबके पेरेंट्स से तेरे पापा से मिला हो ना? मेरे पापा से तो एक भी स्कूल टीचर नहीं मिला। तेरे पापा से कभी नहीं मिला। आप बोला कि हम तो मना थोड़ी ना करेंगे, अभी फोन करके पूछ ले। नहीं बताओ, अभी बोलेंगे अभी दे दो। उधर उधर देखो कॉन्ट्रैक्ट भाई, उधर कोई टेंशन ही नहीं। अबे तेरे को देख रहा उधर आज टेंशन है ना कल टेंशन है। और वो ये भी नहीं पूछेंगे क्यों पीटा है इसको, कितनी टाइम हो जाए क्यों पूरी पूछने का मतलब। उनको बताए कि पिटता रहता है, पिट गया होगा किसने किसी बात के लिए। और आप तो एनकरेज करेंगे और पिटो आया आंसर नहीं नहीं आंसर आया कि नहीं आया देख के मत बोलो। नंबर 13.2 कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द 1 ग्राम ऑफ द सबस्टेंस। 1 ग्राम को आप क्या कर लो, 1 ग्राम को आप एमयू में कन्वर्ट कर लो। मास इक्वल टू दे रखा है 1 ग्राम, या तो आप इसे ना देखो केजी में बना के कर लो। ये केजी में कितना हो जाएगा 10^-3 केजी। अब इसके इक्विवेलेंट एनर्जी निकालनी है तो 10^-3 8 का स्क्वायर या आपको आंसर दे देगा जूल में। अब इसे आंसर किसमें पूछा है, जूल में पूछा, जूल में दे देगा तो जूल में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? जूल में आंसर आ जाएगा ना इससे। इसके बाद है 13.3 फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट, जल्दी जल्दी करो। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल एंड देन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजिंग द एक्सप्रेशन the mass effect of the 8416 mega electron volt per c square. Start करें। 13.3 में अपने को दे रखा है find the energy equivalent of the 1 atomic mass unit. 1 amu के corresponding आपको क्या निकालनी है energy? तो वो तो कर पाएंगे रखा है मैंने। 931.5 के बाद है ना ये ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मास डिफेक्ट निकालना है। ऑक्सीजन के लिए क्या निकालना है, मास डिफेक्ट। अभी इन्होंने ना ये डेटा दिए नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई डेल्टा एम कहाँ से लिया वो पता नहीं है। डेल्टा एम की वैल्यू ले रखी है ना 0.13691, समझ ही पाती है। इसका मास डिफेक्ट निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में, समझ ही पाती। यहाँ से ऐसे करना होता है, ये देखो इसकी एनर्जी भी नहीं दी इन्होंने। अगर एनर्जी दी होती तो मैं इससे निकाल लेता कि एनर्जी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर करके, एनर्जी है नहीं और डेल्टा एम भी नहीं है। निकालना डेल्टा एम ही है इसका, या तो डेल्टा एम देने के लिए इसके वो देने चाहिए कि प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, या फिर या फिर इनको एनर्जी देनी चाहिए थी। समझ रहे हो, 1 एमयू मान लेंगे। अच्छा अगर मैं इसको 16 एमयू मान लूं, इसका मास कितना होगा, एटॉमिक मास नंबर 16 होगा या 13 होता है, 13 मास कितना होगा, मास नंबर 16 है। 16 एमयू इसका मास मान लूं मैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है ये निकालना है एक बार। 16 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी एनर्जी मेरे पास, है ना। 16 कहाँ पे दिया है,
हटा दोगे पीछे से अप्रोक्सीमेट करके निकल जाएगा सब कुछ ना जाएगा
वन ही नहीं जीरो इसको कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है के बाद अरे नहीं इसकी कैलकुलेशन ए सी और डी सी थी करनी पड़ेगी तुम्हें करता है करता है चलो इसे सॉल्व करो जीरो पॉइंट वन थ्री सिक्स नाइन जीरो पॉइंट वन थ्री सिक्स नाइन वन जीरो पॉइंट वन थ्री सिक्स नाइन वन नाइन वन इतना ही आ रहा हो गया आपसे आ रहा है यस हो गया मेन व्यू में आ गया हमारा आंसर अगर आपको इसमें निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में कैलकुलेट कर 31.5 वैल्यू हो गई है बेसिकली एन नॉट की वैल्यू हो गई है और
लेमडा निकालने के लिए हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू एल एन टू डिवाइडेड बाई लेमडा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है, 4.5 ईयर में दिया हुआ है नहीं ये, हाँ सर, तो ये सेकेंड में जाएगा पहले 365 ये आ गया लेमडा यहाँ से, फिर आपको निकालना है आर नॉट, ये लेमडा पुट करना और ये वाला एन पुट करना, आंसर आ जाएगा, निकालो करके नहीं आया यार, इनके डबल मेहनत करवा देते हो तो
हमने सोचा कि ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे थोड़े दिनों में, पर तुम गड़बड़ कर रहे हो सर। सर अभी इसके बाद कौन सा है? इसके बाद ऑप्टिक्स? हाँ तो थोड़े दिनों में वही चाहेगा ना। आज लास्ट है? आज कहाँ से लास्ट होगा, 22 की मेरी गले सात आज वो तो मेरे पास तो बट टाइम है वो ही हाँ सर इतना मेंट कर लिया सर ना क्या सर ना है सर ना है तो क्लास में वो तो बोलना नहीं पड़ेगा। 13.6 पढ़ो सब लोग, जिसने कर लिया है वो तो एग्जांपल भी नहीं है। मतलब ये वाले नोट कर लिया जिसने एग्जांपल क्यों नहीं करते थे तो हमें पता है कि एग्जांपल करवाते हैं कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डीके ऑफ द यूरेनियम 238। अल्फा डीके यूरेनियम में आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसके लिए पहले इक्वेशन बना लो उनके माइनस ही लेना है ना भाई। यूरेनियम से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकाल लो, एक निकालना पड़ेगा कि ज्यादा निकालना पड़ेगा, एक ही निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन का है इसकी 13.20 में दे रखी है, 13.20 कहाँ पर है? इक्वेशन 13.20 ऊपर दे रखी है, देखो तो सोडियम की दे रखी है। पीए क्या होता है? क्या सर पीए? पीए को क्या बोलते हैं? बीए प्रोटेक्टिनियम। सर ये 13.20 हाँ पर वो हाँ सर 91 ना, मतलब एक एटॉमिक वो नंबर कम दिया है अल्फा डीके वाला सर। हाँ अल्फा डीके करेंगे तो एक एटॉमिक नंबर क्या कम होगा ना, एक एटॉमिक नंबर नहीं दो होगा। हां तो 91 से दिया है इसमें तो अल्फा डीके में आपको एनर्जी निकालनी है। अल्फा डीके बनेगा तो सोडियम बनेगा, यहाँ पे तो एक अल्फा डीके करोगे तो सोडियम ही बनेगा ना। हाँ सोडियम जो मैं 91 वाला क्यों दिया है? नहीं 91 तो सर प्रोटेक्टियम का वो मास वगैरह बता रहा था। नहीं एटॉमिक नंबर 91। हाँ वो तो वो बता रखा है कि इसका इतना होता है, वैसे ऊपर लिखा भी है पर बता भी रखा है ना। तो ए पार्ट में तो अपने को डेल्टा एम कैलकुलेट, पहले तो ये यूरेनियम से क्या बन रहा है कितना, ये 238 है ना 238 तो ये थोरियम 90 और ये कितना हो जाएगा 234 प्लस 280 4 प्लस एनर्जी क्यू, ऐसे इक्वेशन लिखी जाएगी इसकी सर। अब इसका डेल्टा एम कैलकुलेट कर लो। देखो यूरेनियम के न्यूक्लियस का मास दे रखा है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, या गिवन द एटॉमिक मास दे रखे हैं। एटम का मास अलग होता है, न्यूक्लियस का मास अलग होता है, तो एटम का मास दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, जैसे ये गलत हो गया है। एटम का मास नहीं देना चाहिए, ये न्यूक्लियस के मास देने चाहिए एटॉमिक मास। उन्होंने कैलकुलेशन तो एटॉमिक मास से कर दी है, ये गलत बात है। एटम के अंदर तो न्यूक्लियस का मास भी होता है, उसका इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है एटम के अंदर, तो ऐसे सिमिलर तो एक्सएस में भी हमने वैसे। हाँ तो वो सब गलत है, इसमें जेई में दिक्कत आती है वहाँ पे, इनमें सब जगह गलत कर रखे हैं लोगों ने। थोड़ा सा वेरिएशन होगा, हल्का फुल्का होगा, बट होता जरूर है, समझ ही बात नहीं। एग्जैक्टली आंसर नहीं होंगे। अब चलो अपन जैसे जो एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं वैसे कर लेते हैं। तो करना कैसे होगा? करना वहाँ पे ऐसे करना होगा, ये एटॉमिक मास की जगह न्यूक्लियस मास दिए होते हैं वहाँ पे, है ना। तो न्यूक्लियस मास दिए होते हैं तो इसका न्यूक्लियस मास कितना दे रखा है इन्होंने, यूरेनियम का कितना दे रखा है 238.05079। ये क्या दे रखा है? एटॉमिक मास दे रखा है, पूरे एटम का दे दिया, मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर 92 यूरेनियम 238 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 92 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 92 इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूडेड है, बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। 100 इलेक्ट्रॉन भी ले लोगे ना तो भी उसका मास कितना बनेगा 9.1 × 10⁻²⁹ - 29। तो वो बहुत बहुत माइन्यूट मास है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट उससे मास इफेक्ट तो हो ही जाता है।
तो अभी तो इसने जो दे रखा उस हिसाब से कर लेते हैं, नहीं दे रखा हो तो तुम्हें तो एटॉमिक मास को ही क्या बना लेना है, न्यूक्लियर मास क्योंकि नहीं किया है तो इसका मतलब वो उसी से कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। थोरियम का मास कितना हो जाएगा, 234.0463 माइनस अल्फा का कितना है 4.00260 इसको सबट्रैक्ट करो कितना आ रहा है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो किससे 931 से कर रखा है और फिर कर रखा है करके देखो उनकी कैलकुलेशन पे भरोसा मत किया करो। ये तो पहला आंसर हो गया हमारे पास। दूसरे में क्या पूछा भाई, शॉर्ट एट द यूरेनियम 238 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को स्पॉन्टेनियसली एमिट नहीं कर सकता है, मतलब एक प्रोटॉन एमिट करेगा ना तो एमिट करने के बाद जो एनर्जी मिलेगी या डेल्टा एम मिलेगा वो नेगेटिव आ रहा होगा तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा है, तो करके देख लेते हैं एक बार। यूरेनियम 238 से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल दोगे तो अब वो प्रोटेक्टियम बनेगा 91 वाला बनेगा ना, और प्रोटेक्टियम बनेगा इसका मास कितना दे रखा है 237 प्लस एक प्रोटॉन बाहर निकल गया, ठीक है प्रोटॉन मतलब 181 है ना, और इसके साथ कुछ एनर्जी बाहर निकल भी होगी इसलिए डेल्टा एम निकालो। यूरेनियम का कितना था 238.05079 माइनस प्रोटेक्टियम का कितना है 237.05121 माइनस इसका 181 का कितना है 1.00783 ये नेगेटिव आ जाना चाहिए माइनस 0.00 नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। साथ में लिख लेना डेल्टा एम नेगेटिव है इसलिए स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ये।
में मेरे साथ घुमा दे ये हर स्पोर्टी यार सर आपका परम किस मम्मी के लिए तो कुछ नहीं पर बच्चे के लिए वो तो बेचारा ठीक है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है वो क्लास के लिए तुम्हारे परम वाला कुछ निकल जाएगा मुंह से ऐसे उठा जो था इसकी इसकी सर नेम अच्छी चलो आगे ये तो पढ़ना पड़ेगा इसमें तो अरे ये लिखेंगे नहीं सर प्लीज हाँ मत लिखना पर पढ़ तो लेना सही चीज दी है 13.1 एक्सरसाइज का टाइम तो मेरे को ठीक है बहुत ज्यादा है वो सिस्टम बिगड़ जाता है फिर कौन सा सिस्टम सर 13.1 इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये होता है कि जैसे हम उधर पार्टिकल निकालते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन इधर ही कैप्चर हो जाता है मतलब इधर ही कंबाइंड हो जाता है जैसे इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर समझ रही बात ये मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैप्चर में इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है ना उसका मतलब प्रोटॉन जेड की वैल्यू प्लस वन हो रही है इसमें क्या हो रहा है एक बार देखना जैसे जेड प्लस होगा या माइनस होगा ऐसे कुछ होगा नहीं माइनस हो रही है 53 हो रहा है 53 हो रहा है जेड माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन किस पे कन्वर्ट हो रहा है ज़ेनॉन डायोड